स्वागत है आप सबका सीपो एवरीवन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोगों को सोलर से शिकायत रहती है। सोलर से उनको ये शिकायत रहती है कि सोलर पैनल है जो वो उनकी बैटरी को चार्ज नहीं करता। उसके पीछे भी दोस्तों एक वजह है जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, और आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहें और बेल बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों, लोग पैनल तो अपनी मर्जी से ले आते हैं, चाहे वो 50 वाट का लें, 100 वाट का लें या 150 वाट का लें, पर जो बैटरी है वो उनको नहीं पता कि कितने वाट के पैनल के साथ कितने एम्पीयर की बैटरी चार्ज हो सकती है। और यही सबसे बड़ी वजह है जिससे कि उनकी जो बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 12 वोल्ट 40 वाट की एक सोलर प्लेट है जिसकी जो करंट है वो है 2.5, यानी कि 2.5 एम्पीयर ये 40 वाट की प्लेट निकाल सकती है। बट होता क्या है कि 2.5 एम्पीयर ये प्लेट नहीं निकालती, क्योंकि हर टाइम आपको धूप नहीं मिलती प्रॉपर, जिससे कि इसके एम्पीयर डाउन हो जाते हैं और ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती। और इस पैनल की जो कैपेसिटी है बैटरी को चार्ज करने की वो है 20 एम्पीयर की बैटरी। और अगर इसके साथ मैं लगा दूँ यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये पड़ी हुई आपको दिखाने के लिए मैंने रखी है 35 एम्पीयर की बैटरी, तो ये कैसे इसको चार्ज कर पाएगा? 40 वाट के पैनल को अगर ये 35 एम्पीयर की बैटरी चार्ज करनी है तो 2 दिन लग जाएंगे। बट अगर आप इस 40 वाट के पैनल के साथ 20 एम्पीयर की बैटरी लगाते हैं तो वो मात्र 10 घंटे में चार्ज हो सकती है। फ्रेंड्स, यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो 40 वाट के पैनल के ऊपर 35 वाट की अगर बैटरी लगाते हैं तो उनकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे जो पैनल की आउटपुट है वो है 2.5 एम्पीयर, और बैटरी को जो चार्ज करने के लिए एम्पेयर चाहिए वो चाहिए 3.5। अगर उनको अपनी बैटरी को प्रॉपर चार्ज करना है 1 डे में, तो उनको 40 वाट के पैनल के साथ 20 एम्पीयर की बैटरी लगानी होगी। अगर 100 वाट का पैनल लगाते हैं तो उसके साथ 50 एम्पीयर की बैटरी लगानी होगी। कोई बड़ा पैनल लगाते हैं, जैसे कि 190 वाट का आप पैनल ले लेते हैं, तो इसके लिए आप 100 AH की बैटरी भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ कैसे आप जान सकते हैं कि कितने वाट के पैनल के साथ आपको कितने एच की बैटरी लगानी है। दोस्तों, जितने भी वाट का आपका पैनल होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, जितना भी आएगा उतने एएच की आपको बैटरी लगानी है। जैसे कि अगर हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आता है। आपने समझना है कि 20 एम्पीयर की हमें बैटरी लगानी है 12 वोल्टेज के सिस्टम में। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो में आपको सोलर पैनल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ।